जय महाकाल दोस्तों, क्या आपके मन में कभी ना कभी ये ख्याल तो जरूर आया होगा कि हमारी फैमिली भगवान की इतनी पूजा पाठ करती है और हम भी करते हैं, लेकिन हमें हमेशा दुखी क्यों मिलता है? हमारी पूजा पाठ व्यर्थ क्यों जाती है? हम कोई भी कार्य करें उसमें सफल नहीं हो पाते, बल्कि पापी मनुष्य कोई भी कार्य करता है जल्दी सफल होता चला जाता है। हम लोग पूजा पाठ करते हैं, भगवान को भोग लगाए बिना कुछ नहीं खाते, सभी कार्य भगवान से पूछ कर करते हैं, फिर भी भगवान हमें इतने दुख क्यों देते हैं? चलिए हम आपको बताते हैं। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अगर भगवान है तो वो हमारे दुख को खत्म क्यों नहीं कर देते। कुछ लोग तो इसलिए भगवान पर विश्वास नहीं करते क्योंकि भगवान के होने के बाद भी इतने दुख क्यों? चलिए एक उदाहरण के माध्यम से इसे समझा जा सकता है। सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं और अगर हम उन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो इससे हमें सजा मिलेगी। फिर हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि सरकार है तो मुझे सजा क्यों मिल रही है? क्योंकि हमने नियमों का पालन नहीं किया इसलिए हम सजा के अधिकारी बने हैं। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि सरकार की गलती है, अगर हम नियमों का पालन करते हैं तो सजा से बच सकते हैं। और वैसे देखा जाए तो भगवान ने ये कभी नहीं कहा कि इस धरती पर हमको सुख मिलेगा। भगवान तो खुद चाहते हैं कि हम इससे बाहर निकलें। बाहर निकलने का मतलब है कि जन्म और मृत्यु से छुटकारा मिल जाए और अपने घर भगवान के धाम वापस जा पाएं। इसलिए भगवान ने हमें हरि नाम दिया, कृष्ण नाम दिया, शिव नाम दिया, जो कि दुखों के लिए दवाई का काम करता है। जिस प्रकार सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं और हम उनका पालन नहीं करेंगे तो हमें सजा जरूर मिलेगी, और उसी प्रकार भगवान ने कुछ नियम बनाए हैं, भगवान के कुछ आदेश हैं जिनका हमें पालन करना होगा। जब हम भगवान की शरण में जाएंगे तो हमें दुखों से लड़ने की शक्ति मिलेगी। भक्त होने का मतलब ये नहीं है कि भक्त के जीवन में दुख नहीं आते। दुख भक्त के जीवन में आते हैं, पर वह जानता है कि भगवान उसके साथ है और भगवान उसकी सभी दुखों से लड़ने की शक्ति देता है। भगवान ने कौन से नियम बनाए हैं अगर आप नहीं जानते हो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।